प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं रोहतास गुप्ता हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट का भूतपूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष। अब मैं वर्तमान में सेवानिवृत्त हूँ। सेवानिवृत्त काल में कविताओं का सृजन करता हूँ, ऐसी कविताएं जो शिक्षाप्रद हैं। हर कविता में कोई ना कोई शिक्षा है, या समाज को जोड़ने की बात है, या देश को उन्नति की ओर ले जाने की बात है, या भगवान की बनाई हुई प्रकृति की प्रशंसा करने की मन में ज्योत जगाने की बात हो, और सर्वोपरि अपने आप को अगर कोई बड़ा बनाना है तो उसके लिए नौजवानों को किस तरह से अपने मन में ज्योत जगानी चाहिए, वो उसके बारे में चर्चा कर देता हूँ कविताओं में। उसी प्रकार आज की जो कविता है बिल्कुल इस चीज से मेल खाती है जो मैंने अंत में कहा है, और वो है मन की ज्योत जगा ले। मन की ज्योत जगा, जुग जुगों से मंदिर में ज्योत जगे है, जुग जुगों से मंदिर में ज्योत जगे है, नित्य प्रति सुबह और शाम। जुग जुगों से मंदिर में ज्योत जगे है, नित्य प्रति सुबह और शाम, अंधेरा दूर कर देती, अंतकरण को मिलता चैन व आराम। तू भी मन की ज्योत जगा ले, तू भी मन की ज्योत जगा ले, अपने मंदिर से अंधेरा दूर भगा ले, अपने मंदिर से अंधेरा, मन मंदिर से अंधेरा दूर भगा ले। मन में बसते, दूसरा पद, मन में बसते राम घनश्याम, ये कोई धर्म वाली बात नहीं है। राम घनश्याम मतलब आपके लिए एक तरह से वो एक आपके जीवन के वो होने चाहिए आदर्श। मन में बसते राम घनश्याम, देवों के देव शिव शंकर भगवान, सहज दर्शन करने हैं तो अपने मन में विश्वास की ज्योत जगा ले, अपने मन में विश्वास की ज्योत जगा ले। तीसरा पद, न दुविधा रहेगी और न रहेगी कोई भी शंका, न दुविधा रहेगी और न रहेगी कोई भी शंका, सब समस्याओं के सत्य समाधान बनेंगे तो विश्वास का घी डाल, अपने मन मंदिर की ज्योत जगा ले। चौथा पद, तू न अविश्वास की दौड़ लगा, अपना आप पर ही ऐसा ना करके मेरे यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, इसे त्याग दे, ये दौड़ से बाहर हो जा। न अविश्वास की दौड़ लगा, न ही आंखों पर पर्दे डाल, आंखें खोल ले। न अविश्वास की दौड़ लगा, न ही आंखों पर पर्दे डाल, सच कह सच ही सुन, तू सच्ची जीवन शैली को अपनी जीवन की पगडंडी बना ले, अपने जीवन की पगडंडी बना ले। अंतिम पांचवा पद, मर्यादाओं की असलियत पहचान, समाज के नियमों को अपनी आस्था जान। समाज के नियमों के साथ तो चलना होगा और चलना चाहिए, जो समाज के नियमों को तोड़ करके उसकी परिधि से बाहर निकलता है वो कभी भी समाज के लिए और अपने लिए भी कभी वो लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। मर्यादाओं की असलियत पहचान, समाज के नियमों को अपनी आस्था जान, वक्त परिस्थितियों की सच्चाई को मान, जीवन में सुख के स्रोतों की धारा देख, सुख सागर को कर प्रणाम, जीवन के यूं सुख पाले अजीब और बहुत बेमिसाल। धन्यवाद।